चाहते थे भगवान की। चौका पार्षद, बर्तन धोना है, बुहारी लगाना है, पानी भरना है, आटा पीसना है, भोजन बनाना है, सब कार्य ठाकुर जी का अपने हाथों से करते थे, संपूर्ण भगवत सेवा। और उनका सब दिन ऐसे ही सेवा में, भक्ति में व्यतीत हो जाता। एक समय कुछ ऋषियों में परस्पर में ये चर्चा हुई कि भाई संसार में सबसे श्रेष्ठ भक्त इस समय कौन है। एक बार सब ऋषि आपस में बैठकर चर्चा कर रहे थे कि संसार का सबसे श्रेष्ठ तत्व क्या है। तो भक्तपाल जी में वर्णन मिलता है, कभी जन करत विचार बड़ों को ते ही भनिजे। सब लोग मिलकर विचार कर रहे थे कि संसार में जो सबसे बड़ा तत्व है वो कौन है जिसका हम सब भजन कर सकें। तो को कहे अवनी बड़ी जगत आधार खनिजे। कोई बोला भाई सबसे बड़ी तो संसार में पृथ्वी ही है जिस पर सब लोग रहते हैं, सबका आधार है, तो क्या पृथ्वी का भजन करें। तो बोले नहीं, सोधारी सिर शेष, उस पृथ्वी को तो भगवान शेष ने अपने फन पर धारण कर रखा है और शेष जी के फन पर तो पृथ्वी एक राई के दाने की तरह रखी हुई है, तो पृथ्वी से बड़े शेष जी हुए, तो क्या शेष जी का भजन करें। तो बोले नहीं, शेष शिव भूषण कीनो, उन शेष जी को तो भगवान शंकर ने अपने भूषण के रूप में कहीं गले में धारण कर रखा है सर्प को, तो कहीं कान में धारण कर रखा है, कहीं भुजा में धारण कर रखा है, शंकर जी के तो वो आभूषण है, तो इसका मतलब शंकर जी बड़े हैं। तो बोले शिव आसन कैलाश, बोले शंकर जी को भी धारण करता है कैलाश पर्वत, तो क्या कैलाश पर्वत सबसे बड़ा तत्व हुआ। तो बोले भुजा भरी रावण लीनो, जिस समय रावण ने तप किया था तो रावण ने कैलाश पर्वत को भी अपने हाथ में उठा लिया था, तो क्या सबसे बड़ा रावण हो गया। तो बोले रावण जीत्यो बाली, उसी रावण को राजा बाली ने जीत लिया था, बाली ने रावण को हरा दिया था, तो क्या बाली सबसे बड़ा है। तो बोले बाली राघव एक सायक दंडे, उसी बाली को राम जी ने समाप्त कर दिया था। तो भाई संसार के सबसे श्रेष्ठ तत्व तो भगवान हो गए, राम जी हो गए। तो बोले अगर कहें त्रैलोक के मैं हरि और धरें तेई बड़े, बोले उन राम जी को भी जो भक्त अपने हृदय में धारण कर लेते हैं वो भक्त संसार के सबसे श्रेष्ठ तत्व हैं, यानी सबसे बड़े भगवान के भक्त हो गए। तो ऋषियों में चर्चा चल रही थी भाई संसार में तो भक्त भी बहुत हैं, उन भक्तों में भी सबसे श्रेष्ठ इस समय भक्त कौन है। तो सबने कहा नारद जी से ही पूछो, भाई नारद जी को ज्यादा ज्ञान रहता है। तो नारद जी से पूछा तो नारद जी ने कहा भाई इस समय तो संसार में ठाकुर जी का सबसे बड़ा कृपा पात्र भक्त महाराज अम्बरीश है। अब जितने ऋषि थे उन सबने तो मान लिया भाई हो सकता है भक्ति तो चाहे राजा है चाहे कोई नीच है चाहे कोई भी है, भक्ति तो किसी भी के भी हृदय में हो सकती है। पर दुर्वासा जी महाराज ये नहीं सह पाए, बोले अरे नारद तुम भी कैसी बातें करते हो उल्टी सीधी, अरे किसी वरक्त महात्मा का नाम लेते, किसी ब्रह्मचारी सन्यासी का नाम लेते तो बात मानी जाती, एक राजा सबसे दुनिया का श्रेष्ठ भक्त कैसे हो जाएगा जिसके सैकड़ों सैकड़ों रानियां हैं, राज्य शासन भी चलाना है, उसके पास तो भक्ति का समय भी नहीं होता। नारद जी बोले दुर्वासा जी मान जाओ, अम्बरीश जी ही समय सबसे बड़े ठाकुर जी के कृपा पात्र भक्त हैं, भले ही उनके सैकड़ों रानियां हैं, राज्य है, सब कुछ है, लेकिन उनका ध्यान न रानियों में है न राज्य में, वो निरंतर ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा करते रहते हैं। दुर्वासा जी महाराज के बाद गले से उतरी नहीं और वो तो दुर्वासा जी तो अम्बरीश जी की परीक्षा करने के लिए चल पड़े। जिस समय परीक्षा के लिए चले हैं तो उस समय अम्बरीश जी महाराज मधुवन में आए हुए थे। ये मधुवन ब्रज में स्थान है, मथुरा के बिल्कुल पास है मधुवन। तो वहां अम्बरीश जी उस समय एकादशी व्रत किए हुए थे। सहज है जिसको भी ठाकुर जी से प्यार होगा, ब्रजभूमि से निश्चय स्वाभाविक प्यार होगा, प्राय ब्रज में रहा करते थे अम्बरीश जी। तो मधुवन में एकादशी व्रत किए हुए थे और देखो आज भी एकादशी तिथि है। एकादशी व्रत को नित्य व्रत कहा है और इसका दूसरा नाम है हरिवासर।
संसार में बाकी दूसरे व्रत करें या न करें, पर वैष्णव मात्र को एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि विष्णु प्रीणन कारणम। एकादशी व्रत से सबसे बड़ा लाभ यह है कि ये कृष्ण प्रेम देता है, भगवत प्रेम देता है। तो जो लोग करते हैं वो तो उत्तम है ही, पर जो नहीं करते हैं उन्हें भी करना चाहिए एकादशी व्रत। वैष्णव मात्र के लिए ये आवश्यक है, अनिवार्य है। अम्बरीश जी महाराज एकादशी व्रत करते, और ये तो एकादशी की व्रत के प्रति ऐसे निष्ठावान थे कि 3 दिन का व्रत करते थे, एकादशी से 1 दिन पहले से ही भोजन छोड़ देते और द्वादशी तक व्रत किया करते थे। तो इन्होंने एकादशी व्रत किया हुआ था। जितने भक्त हुए, केवल अम्बरीश जी की बात नहीं है, उन सबकी बड़ी निष्ठा थी इस व्रत के प्रति, क्योंकि व्रत से स्वर्ग मोक्ष आदि के फल का लोभ नहीं था। सबसे बड़ी बात है कि इस व्रत से भगवत प्रेम मिलता है, भक्ति मिलती है। एक भक्त हुए हैं नामदेव जी महाराज, ये भी बड़े निष्ठा पूर्वक एकादशी व्रत करते थे। एक बार तो इनकी व्रत की परीक्षा लेने स्वयं भगवान आए, और ऐसे साक्षात रूप से नहीं आए, एक दुबले पतले से ब्राह्मण का रूप बना के आए। और उस समय एकादशी का दिन था, नामदेव जी महाराज बैठकर अपना घर में कीर्तन कर रहे थे। इन्होंने आकर बार द्वार पर, अरे नामदेव जी, बड़ा भूखा ब्राह्मण है, आप जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे दो। तो अपना ये कंदमूल फल लेकर ब्राह्मण को देने लगे, तो ब्राह्मण ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे तो अन्न चाहिए। नामदेव जी बोले, देखो एकादशी के दिन तो अन्न खाना तो पाप है ही, अन्न को छूना भी पाप है, हम अन्न नहीं दे सकते आपको। बोले, तो आपको फिर मैं वैसे ही मरने वाला हूँ, आपको मेरी हत्या का दोष लग जाएगा। तो बोले ब्राह्मण देवता, भले ही दोष लग जाए पर मैं अन्न का स्पर्श नहीं करूँगा। अब वो स्वयं भगवान हैं, परीक्षा कर रहे हैं। तो संध्या होते होते तो एकदम पैर फैलाकर लेट गए ब्राह्मण देवता, जैसे मरीज आएंगे। अब जितने गांव के लोग सबने कहा, रे नामदेव कैसी तुम्हारी भक्ति है, ब्राह्मण मर जाएगा, ब्रह्म हत्या लग जाएगी, जो मांगता है दे क्यों नहीं देते। नामदेव जी बोले, भाई मैं अपने हाथ से बिल्कुल नहीं दूंगा, कल मरे सो आज मर जाए, मैं नहीं दूंगा। अब रात्रि भर ठाकुर जी तो रात होते होते बिल्कुल वैसा श्वास को रोक कर पड़ गए जैसे तो प्राण ही निकल गए। अब सब जितने गांव के लोग थे बोले, नामदेव तुम्हें ब्रह्म हत्या लगी है, तुमने ब्राह्मण को भूखा मार दिया, अरे इसको अन्न चाहिए था, क्यों नहीं दे दिया, जाओ हम तुम्हें बहिष्कृत करते हैं, बाहर करते हैं समाज से। नामदेव जी ने कहा, जो करना है कर दो। अब सवेरा हुआ, नामदेव जी रात भर वहीं ब्राह्मण देवता का जहाँ शरीर पड़ा था उसी के पास बैठकर जोर जोर से कीर्तन करने लगे। सवेरा हुआ, चिता बनाई, नामदेव जी महाराज ने सोचा कि भाई ब्रह्म हत्या लगी, अब मुझे भी जीकर करना क्या है, चलो ब्राह्मण देवता के साथ हम भी इसी में जल जाएंगे। अब ठाकुर जी तो नाटक करके पड़े हुए थे, नामदेव जी ने उठाया प्रभु को और अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ गए। भगवान ने सोचा ये तो पक्का है, खुद भी जलेगा और मुझे भी जिंदा मारेगा। तो उसी समय भगवान अपना सब नाटक वाटक छोड़ के, अरे नामदेव रुको रुको रुको, अभी मरा नहीं है, उठकर बैठ गए। बोले, भैया मैं तो तेरी परीक्षा लेने आया था, तू अपनी परीक्षा में सफल हो गया, तू अपनी निष्ठा में पास हो गया, अब छोड़ दे मुझे। तो उठ के ब्राह्मण देवता प्रभु दर्शन देकर नामदेव जी को वहां से चले गए। तो कितनी निष्ठा थी वैष्णव व्रत के प्रति, वैष्णव मात्र को ये व्रत करना चाहिए। नहीं करते हो तो अब आरंभ करो। 1 दिन का व्रत करने में, जबकि ऐसा विधान है साप्ताहिक व्रत करने का, मासिक व्रत करने का, एक पक्ष का व्रत करने का, कि 7 दिन में व्रत, 15 दिन में 1 दिन व्रत, ये शरीर की स्वस्थता की दृष्टि से भी बड़ा लाभदायक होता है। और वैसे भी फिर ये वैष्णव व्रत है तो भक्त मात्र को करना चाहिए। अम्बरीश जी महाराज भी एकादशी व्रत किए हुए, अब उसी दिन दुर्वासा जी महाराज वहां पहुंच गए। द्वादशी तिथि थी, एकादशी का पारण करना था। बहुत से ब्राह्मणों को, संतों को बुलाया अम्बरीश जी महाराज ने, खूब भोजन कराया, दान दिया। जब स्वयं भोजन करने के लिए बैठे तब तक दुर्वासा जी पहुंच गए।
महाराज अम्बरी जी ने प्रार्थना की, महाराज आप भोजन करिए। दुर्वासा जी बोले अभी कोई भोजन का समय नहीं है, हम पहले यमुना स्नान कराते हैं। यमुना स्नान करने गए तो एक घंटा दो घंटा चार घंटा बहुत समय लगा दिया। अब स्नान करने गए होते तो लौटते भी हो तो परीक्षा के लिए आए हैं। इधर पारण का मुहूर्त निकला जा रहा था तब अम्बरीश जी ने ब्राह्मण भक्तों की आज्ञा से ठाकुर जी का चरणामृत पी लिया। जैसे ही चरणोदक पिया दुर्वासा जी महाराज वहां पहुंच गए और दुर्वासा जी एकदम क्रोध में उनके नेत्र लाल, अरे मूर्ख यही तेरी भक्ति है, हमारे आए बिना तूने जलपान कैसे कर लिया। और मस्तक से जटा को खाड़ा पृथ्वी पर पटका और उसमें से विकराल रूप धारण करके कृत्या राक्षसी प्रकट हो गई। और वो राक्षसी जैसे ही अम्बरीश जी को खाने के लिए दौड़ी तो उसी समय वहां भगवान का सुदर्शन चक्र नित्य अम्बरीश जी की सुरक्षा किया करता था। तस्मा अदा दर्शक्रम प्रत्यनीक भयावह, भगवान के सब आयुध उनके भक्तों की रक्षा करते हैं, कोई भी आश्रय शक्ति भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। उसी समय वहां चक्र अपने आप प्रकट हो गया और कृत्या राक्षसी को जला दिया। अब चक्र ने दुर्वासा जी का पीछा किया। अब दुर्वासा जी कभी ब्रह्मलोक भाग रहे हैं, कभी कैलाश जा रहे हैं, कभी वैकुंठ जा रहे हैं, जहां जाए सब मना कर दे, ऋषिवर जिसका चक्र है उसी के पास जाओ नहीं तो हमारी भी प्राण संकट में आ जाएंगे। वैकुंठ में पहुंचे, त्राहि माम, भगवान बोले अरे दुर्वासा जी आप व्यर्थ में यहाँ आए, हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते। क्यों प्रभु? बोले अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ, आप मेरा अपराध करते तो मैं आपकी रक्षा कर सकता था, पर आपने भक्त का अपराध किया है, भक्त अपराधी को तो मैं भी नहीं बचा सकता। तो भगवान चक्र की अग्नि से सारा शरीर जल रहा है, बड़ी पीड़ा में है, आप रक्षा नहीं कर सकते तो मेरी रक्षा का उपाय तो बता दो। बोले उपाय यही है कि जिस भक्त का अपराध किया उसी की शरण में चले जाओ। एक साल तक भागे हैं और बड़े कष्ट में रहे हैं, आखिर में इधर उधर दौड़ धूम करने के बाद उनको सीधे अम्बरीश जी की शरण में आना पड़ा। और जब अम्बरीश जी के चरणों में गिरे हैं तो अम्बरीश जी महाराज हाथ जोड़कर चक्र के सामने खड़े हो गए और हाथ जोड़कर सुदर्शन चक्र से प्रार्थना किए हैं कि हे सहस्रार भगवान आपको भक्तों की रक्षा के लिए धारण करते हैं, और फिर दुर्वासा जी तो भगवान के बड़े प्यारे भक्त हैं, आप इनका इनको पीड़ा कैसे दे सकते हैं, हे सहस्रार आप शांत हो जाएं। अम्बरीश जी महाराज सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करने लगे, स्तवन करने लगे, आप इसी समय शांत हो जाएं, दुर्वासा जी का मंगल करें। तो सुदर्शन चक्र शांत नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि दुर्वासा जी ने अम्बरीश जी का अपराध किया था, भक्तापराध किया था। फिर आखिर में अम्बरीश जी ने अपनी भक्ति को दाव पर लगा दिया, बोले यदि मेरे से प्रभु प्रसन्न हैं तो इसी समय चक्र शांत हो जाए। तो उसी समय वो चक्र वहां से शांत हो गया, अदृश्य हो गया, और अम्बरीश जी की प्रार्थना से दुर्वासा जी की रक्षा हुई। तो इससे यह स्पष्ट होता है, जबकि दुर्वासा जी साक्षात शंकर जी के अवतार हैं, कि अगर ब्रह्मा शंकर भी हैं वो भी भक्ता अपराध करेंगे तो उनका भी मंगल नहीं है, फिर साधारण लोगों की क्या चलेगी, जो दिन रात अपराधी अपराध करते हैं उनको कितना फल भोगना पड़ेगा इस अपराध का, ये सोच लेना चाहिए। और सदैव भक्ता अपराध से सावधान रहना चाहिए, भक्तों का अपराध भूल में भी ना होने पाए। और इस तरह से अम्बरीश जी महाराज की कृपा से दुर्वासा जी महाराज की रक्षा हुई है, दुर्वासा जी चरणों में गिर पड़े हैं अम्बरीश जी के। आज मैं धन्य हो गया जो मैंने प्रभु के भक्तों की अलौकिक महिमा का दर्शन किया, मैंने अम्बरीश को मारने के लिए कृत्या को प्रकट किया और ये मुझे बचाने के लिए चक्र की स्तुति कर रहे हैं। वस्तुतः भक्तों का यही स्वभाव होता है, दुष्ट अपनी दुष्टता में कसर नहीं छोड़ता और साधु लोग अपनी साधुता में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, अपने अमंगलकारी का भी मंगल चाहते हैं, उस पर भी कृपा करते हैं, उसका भी कल्याण करते हैं। तो एक भक्त के गौरव का प्रकाश हुआ अम्बरीश जी महाराज के चरित्र से। और इसके पश्चात इन्हीं के वंश में इक्ष्वाकु वंश का जो वर्णन चल रहा है, श्राद्ध देव मनु के जो 10 पुत्र हुए हैं उनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम है इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु की ही परंपरा में 18वीं पीढ़ी में मानधाता हुए हैं और मानधाता की 8वीं पीढ़ी में महाराज हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ है।
इन्हीं के वंश में आगे चलकर महाराज सगर हुए हैं। सगर की दो रानियां, एक तो केशनी है और दूसरी सुमति है। एक बार सगर के घोड़े को देवराज इंद्र ने चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, तो इनके 60,000 पुत्र घोड़ा ढूंढते हुए कपिल मुनि के आश्रम में गए। इन्होंने ये तो सोचा नहीं कि किसी कौन यहाँ घोड़ा लाया है। कपिल मुनि के पास घोड़ा देखकर उन्हीं को चोर समझने लगे। कपिल मुनि की दृष्टि पड़ते ही वो सब के सब भस्म हो गए। तब दूसरी रानी जो है केशनी, उनके पुत्र हुए हैं असमंजस, और असमंजस के पुत्र हुए हैं अंशुमान। अंशुमान घोड़े को ढूंढते हुए गए हैं, तब वहां कपिल मुनि ने आज्ञा की है, देखो बेटा ये घोड़ा तुम्हारे चाचाओं का है, तुम्हारे बाबा का है, अपने इस घोड़े को ले जाओ। और तुम्हारे ये चाचा भक्तापराध से जलकर समाप्त हो गए हैं, इनका उद्धार केवल गंगा जल से हो सकता है। तब इन्होंने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, पर गंगा जी को लाने में असफल रहे। उनके पुत्र दिलीप ने भी तप किया, पर वे भी नहीं ला सके। दिलीप पुत्र भगीरथ जी महाराज ने जब तप किया है, उनके तप से प्रसन्न होकर गंगा जी आई हैं, वरदान मांगने के लिए कहा है, तो भगीरथ जी ने कहा, माँ आप हमारे साथ मृत्यु लोक में चलें। गंगा जी ने कहा, भाई दो कारण हैं, एक तो मेरा वेग कोई धारण नहीं कर सकता, और दूसरा अगर मैं मृत्यु लोक में चली गई तो सब पापियों को मेरा ही सहारा हो जाएगा, खूब पाप करो और गंगा जी में डुबकी लगा लो और हो गए पवित्र। तो वे तो खूब पाप करेंगे और अपने सब पाप मुझ में छोड़ जाएंगे, मैं उन पापों को कहाँ धोऊंगी। भगीरथ जी महाराज ने कहा, माँ आप चिंता ना करें, आपके वेग को शंकर जी धारण करेंगे, और पापियों के अलावा जब ऐसे संत ऐसे भक्त जिनके हृदय में साक्षात भगवान अघरूप अघासुर को मारने वाले भगवान विराजे हुए हैं, ऐसे प्रभु के प्यारे भक्त जब आप में स्नान करेंगे तो वे आपके भी कलमश को मल को धो देंगे। इससे स्पष्ट होता है कि करोड़ों करोड़ों तीर्थों से बड़े हैं भगवान के भक्त, जो तीर्थों को भी पवित्र करते हैं। तब भगीरथ जी की प्रार्थना पर गंगा जी वहां आई हैं मृत्यु लोक में, और उसके पश्चात 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ है, और तीर्थ भी गंगा आदि तीर्थ भी यह आशा करते हैं कि कब प्रभु के प्यारे भक्त आएंगे, कब हम में स्नान करेंगे, कब उनके स्पर्श से हमारे पाप ताप भी समाप्त हो जाएंगे। मुद मंगलमय संत समाजो जिमि जग जंगम तीर्थ राजो, संतों को चलता फिरता तीर्थ कहा गया है। बाकी तीर्थों में तो हमें जाना पड़ता है, पर संत रूपी तीर्थ तो घर घर में आकर पवित्र करते हैं। ये चलते फिरते जीते जागृत तीर्थ होते हैं, जड़ तीर्थों से भी इनकी महिमा ज्यादा कही गई है। तो भगीरथ जी के प्रयास से गंगा जी मृत्यु लोक में आई हैं, और उसके पश्चात उनके वंश में आगे चलकर मूलक हुए हैं, उनसे दशरथ हुए हैं, दशरथ से एडवर्ड, उनसे विश्वसह, विश्वसह से खटवांग, और खटवांग से महाराज दिलीप का जन्म हुआ है। महाराज दिलीप बड़े पराक्रमी राजा थे। एक बार कामधेनु गाय को इन्होंने प्रणाम नहीं किया जल्दीबाजी में, तो गाय ने इनको शाप दे दिया कि आपको पुत्र नहीं होगा। बहुत समय तक पुत्र नहीं हुआ, तब ये गुरु वशिष्ठ जी की शरण में गए। वशिष्ठ जी ने कहा, तुम गौ सेवा करो, गौ सेवा से ही गौ अपराध नष्ट हो सकता है। तब इन्होंने नंदिनी गाय की बड़ी सेवा की है, और उसके प्रभाव से महाराज दिलीप को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम रघु हुआ। और ये इतने यशस्वी पुत्र हुए गौ सेवा के प्रभाव से, इतने यशस्वी हुए कि आगे चलकर इक्ष्वाकु वंश का नाम रघुवंश पड़ गया। और रघुवंश के बाद इस वंश में राम जी भी आए, पर वंश का नाम राम वंश नहीं पड़ा, रघुवंश ही चलता रहा, क्योंकि रघु जी का जन्म गौ सेवा के प्रभाव से हुआ था। और रघु जी के अज हुए हैं, अज के महाराज दशरथ हुए हैं, और दशरथ जी के 720 रानियां थी, जिनमें कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तीन रानियां प्रमुख थीं। बहुत समय तक दशरथ जी को भी जब संतान प्राप्ति नहीं हुई, तब इन्होंने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुदेव क्या हमारे भाग्य में कोई संतान नहीं है। वशिष्ठ जी बोले, नहीं राजन, तुम्हारे भाग्य में तो चार चार संतान हैं, पर उसके लिए तुम्हें यज्ञ करना पड़ेगा। तब पुत्र कामिष्ठ यज्ञ किया है, यज्ञ से अग्निदेव प्रसाद लेकर प्रकट हुए हैं,
उस प्रसाद का आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या जी को, आधे में से आधा आधा कैकेयी जी और सुमित्रा जी को दिया। अब भाग्य की बात, सुमित्रा जी के हाथ से एक गिद्ध पक्षी उस प्रसाद को लेकर उड़ गया और विद्वान पुरुषों का ऐसा कहना है कि वह प्रसाद ले जाकर उस पक्षी ने अंजनी माता की गोद में डाल दिया, जिससे भक्त श्रेष्ठ हनुमान जी का जन्म हुआ। पर इधर मैया सुमित्रा तो बड़ी दुखी हुई कि अब मेरा प्रसाद चला गया, मेरे भाग्य में तो कोई पुत्र नहीं रहा। तो कैकेयी जी और कौशल्या जी ने उनको धैर्य बंधाया, तुम चिंता मत करो बहन, हम अपने अपने प्रसाद का आधा आधा भाग तुम्हें दे देंगे। दोनों ने अपने अपना आधा भाग दिया। सुमित्रा जी ने कहा, आप दोनों के कृपा प्रसाद से अगर मेरे दो पुत्र हुए तो मैं एक पुत्र को कौशल्या जी के पुत्र की सेवा में रखूंगी और दूसरे पुत्र को कैकेयी पुत्र की सेवा में। और आगे चलकर वही हुआ। उनके जो दो पुत्र रत्न थे, श्री लक्ष्मण जी और श्री शत्रुघ्न कुमार, लक्ष्मण जी सदैव राम जी की सेवा में रहे हैं और शत्रुघ्न जी सदैव भरत जी की सेवा में रहे हैं। तो तीनों रानियों ने वह प्रसाद ग्रहण किया है, प्रसाद से उनको गर्व रहा है। और उसके बाद जब वह पावन अवसर आया, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि चैत्र शुक्ल नवमी तिथि को अभिजित मुहूर्त में जब सारी सृष्टि हर्ष से भर गई, स्वच्छ हो गई, निर्मल हो गई, ऐसे समय में सबसे पहले माता कौशल्या के गर्भ से सूर्य वंश को विभूषित करते हुए भगवान श्री रामचंद्र का प्राकट्य हुआ। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी, मुनि मन हारी विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध गुणचारी भूषण वन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु हरा कई गुण कर जोड़ा।
इधर भगवान श्री रामचंद्र का प्राकट्य हुआ है। समस्त अयोध्या वासियों ने चारों कुमारों के जन्म को बड़े धूमधाम से मनाया है। बाल लीलाओं के द्वारा राम जी ने अयोध्या वासियों को बड़ा सुख प्रदान किया है। रामचरित्र जो कि अपने आप में एक बड़ा सागर रूप है, ठाकुर जी की सभी कथाएं सिंधु रूपणी है, लेकिन सुखदेव जी महाराज ने दो अध्यायों में राम जी के चरित्र को गाकर एक कुशल वक्ता का लक्षण प्रकट किया। दो अध्यायों में और संपूर्ण चरित्र को गागर में सागर भरने की तरह गा दिया। भगवान श्री राम की हर एक लीला बड़ी शिक्षा प्रद है। विश्वामित्र जी के साथ वन में जाकर राक्षस राक्षसियों का प्रभु ने वध किया है, स्वयंवर में जानकी जी से विवाह किया है, आए हैं तो वनवास के लिए तैयार हो गए हैं। माता कैकेयी ने जो दो वरदान मांगे, भरत को राज्य गद्दी, राम को 14 वर्ष का वनवास, बहुत प्रसन्नता पूर्वक और वनवास के लिए राम जी चल दिए। साथ में लक्ष्मण जी और भार्या जानकी जी भी गई हैं। वन वनांतर में घूमकर भगवान ने भक्त वात्सल्य गुण को प्रकट किया है। सीता जी का अपहरण हुआ, रावण हरण करके ले गया, तब राम जी ने वियोग लीला किए है, बड़ा विलाप किया है जानकी जी की याद में, और ये दिखाया कि जब मैं भगवान होकर रो रहा हूं तो सामान्य स्त्री पुरुषों जब आपस में आसक्ति करते हैं उनको तो रोना ही रोना पड़ेगा। जब आसक्ति करके भगवान को रोना पड़ रहा है तो सामान्य जीवों की क्या चलाई है। इसलिए राम जी ने ये सिखाया कि संसार में आसक्ति, आसक्ति माने मन का चिपकना, आसक्ति कहीं नहीं होनी चाहिए केवल प्रभु के अलावा। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, ममता केवल राम जी में हो, संसार में समता रखें, स्नेह रखें ठीक है, लेकिन मन का जो लगाव है, आसक्ति जो मन का प्रवाह है, वो केवल प्रभु के चरणों में होना चाहिए। आए हैं अयोध्या में जानकी जी को लेकर, उसके पूर्व काफी रावण से युद्ध हुआ है, वानर भालुओं की सहायता ली है। राम जी ने ये दिखाया कि मैं भगवान हूँ पर भक्तों की सहायता की सदैव मुझे इच्छा रहती है, अपने भक्तों के बिना मैं भगवान होकर भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। बंदर वालों की सहायता ली सर्व समर्थ वान ईश्वर ने। उसके बाद अयोध्या आए हैं, वहां एक धोबी के मुंह से कुछ उल्टी सीधी बातें सुनकर भगवान ने लोकापवाद के भय से सीता जी का परित्याग किया। ऐसे प्रजावत्सल हैं, स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि, राजगद्दी पर बैठने के पूर्व ही जिन्होंने यह कह दिया था कि प्रजा के सुख के लिए यदि मुझे अपने स्वार्थ अपने सुख को छोड़ना पड़े, छोटी बात, अगर जानकी का भी परित्याग करना पड़ेगा तो वह भी करूंगा। अब कहा नहीं करके दिखाया। जानकी जी से वाल्मीकि जी के आश्रम में 2 पुत्र हुए हैं, लव और कुश। अपने दोनों पुत्रों को वाल्मीकि जी को सौंपकर उसके बाद मैया जानकी पृथ्वी में समाविष्ट हो गई हैं। 13,000 वर्ष तक राम जी अकेले रहे हैं ब्रह्मचर्य व्रत पूर्वक, और उसके बाद जब धाम गमन करने लगे तो भक्तों के हृदय में कांटे लगे चरणों को स्थापित कर गए राम जी। क्यों कंटक लगे चरण क्यों स्थापित किए? बोले जब भी भक्त मेरे इन चरणों की याद करेंगे तो उनको मेरी संपूर्ण वनवास की लीला याद आएगी, और उनको ये याद आएगा कि देखो प्रभु कितने भक्त वत्सल थे, भक्तों पर कृपा करने के लिए जंगल जंगल घूमे, नहीं तो 14 वर्ष के वनवास में भी एक ही जगह कुटिया बनाकर रह सकते थे, पर प्रभु ने वन वनांतर में घूमे हैं। वनवास की लीला न होती तो शबरी मैया पर कैसे कृपा होती, जटायु के ऊपर कैसे कृपा होती, भक्त वत्सलता के कारण भगवान वन वनांतर में घूमे हैं। धर्म के लिए कितना उन्होंने कष्ट सहा है,
तो जब लोग ऐसा स्मरण करेंगे तो वे भी अपने धर्म के प्रति निष्ठावान और जागृत हो जाएंगे। तो इसलिए राम जी कंटक युक्त चरणों को भक्तों के हृदय में स्थापित करके उसके बाद साकेत धाम को चले गए और इसके पश्चात इनके जो दो पुत्र हैं लव और कुश, कुश के ही वंश में आगे चलकर अंतिम राजा मरु हुए हैं और मरु वंश में आगे सुमित्र हुए हैं, सुमित्र राजा तब इक्ष्वाकु वंश रहा, उसके बाद ये वंश यहीं समाप्त हो गया। फिर दूसरा वंश यहाँ से आगे चला निमि वंश, इक्ष्वाकु के पुत्र थे राजा निमि, उसके बाद निमि वंश चला है और निमि के ही वंश में आगे चलकर हृष्वरोमा हुए हैं, उनसे सीरत ध्वज हुए हैं, सीरत ध्वज के हल्के अग्रभाग से ही सिया जी का प्राकट्य हुआ था। तो इस वंश में इस तरह से जितने राजा हुए वो सभी राजा मैथिल कहलाए। तो यहाँ तक सूर्यवंशी राजाओं की संक्षेप में चर्चा हुई, अब आगे चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी। चंद्रवंश कैसे चला है, भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मा जी से अत्रि हुए हैं, अत्रि से चंद्रमा, उनसे बुध, बुध से एल का जन्म हुआ और एल की तीसरी पीढ़ी में राजा नहुष हुए हैं, नहुष की पीढ़ी में आगे चलकर यदु हुए, यदु की ग्यारहवीं पीढ़ी में ज्यामक हुए, उनसे विदर्भ नाम के पुत्र हुए और इन्हीं के वंश में आगे चलकर सात्वत हुए हैं, सात्वत से सात पुत्र हुए हैं जिनमें एक पुत्र का नाम है देवमीण। अब देवमीण के दो स्त्रियां थीं जिनमें से एक स्त्री क्षत्रिय थी, क्षत्रिय की कन्या, और दूसरी पत्नी इनकी वैश्य की कन्या थी। यहां से आगे दो वंश चल पड़े, जो क्षत्रिय कन्या थी उनसे तो शूरसेन हुए और जो वैश्य कन्या थी उनसे पर्जन्य हुए। इधर शूरसेन के वसुदेव हुए और वसुदेव जी के भगवान श्री कृष्ण हुए, उधर पर्जन्य के नंद बाबा हुए और नंद बाबा के यहाँ भी नंद नंदन हुए। तो दो बातें हो गई, मथुरा में जन्म और गोकुल में जन्म, तो दो दो जगह जन्म, ये तो बात झूठी लगती है। तो बोले बात झूठी इसलिए नहीं है क्योंकि ठाकुर जी के दोनों जगह जन्म के प्रमाण प्राप्त होते हैं। रसिकों की वाणी में गोकुल आदि में जन्म हुआ है यह भी बात सत्य है और कारागार में जन्म हुआ है यह भी बात सत्य है, और हरिवंश पुराण में इसका उल्लेख, इसका स्पष्टीकरण किया है कि यशोदा मैया ने दो संतानों को जन्म दिया था, एक कन्या को और एक पुत्र को, और वसुदेव जी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। तो वसुदेव जी के जो पुत्र थे वो तो वासुदेव कहलाए और यशोदा मैया के जो पुत्र थे वो यशोदा नंदन या नंद नंदन कहलाए। तो जिस समय वसुदेव जी लेकर आए हैं अपने पुत्र को गोकुल में, तो उस समय उनके पुत्र यशोदा मैया के पुत्र में समाविष्ट हो गए, मिल गए, और यशोदा मैया की कन्या को लेकर वसुदेव जी मथुरा आ गए हैं। जिस समय अक्रूर जी मथुरा लेने के लिए आए हैं कृष्ण बलराम को, तो उस समय वसुदेव जी के जो पुत्र हैं वसुदेव नंदन वो तो चले गए और यशोदा मैया के जो लाडले कन्हैया हैं नंद नंदन वो नहीं गए। इसलिए ये भी बात मिलती है कि ठाकुर जी कभी ब्रज छोड़कर नहीं गए, तो अगर नहीं जाते तो फिर कंस को किसने मारा। तो उससे ये स्पष्ट होता है कि नंद नंदन श्री कृष्ण नहीं गए लेकिन वासुदेव भगवान चले गए, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है ब्रज तज अनत न जाई हो मोहे नंद बाबा की आन, मैं ब्रज छोड़कर कभी जा नहीं सकता, और ये सभी बातें सत्य हैं। तो कारागार में जन्म की लीला भी मिलती है और यशोदा मैया के यहाँ भी जन्म की लीला मिलती है, दोनों में वस्तुतः कोई अंतर नहीं है, पर वहां देवकी मैया को सुख देना था, यहाँ यशोदा मैया को सुख देना था, प्रभु तो एक ही है, चाहे वो भिन्न भिन्न रूप ले लें, कई अवतार ले लें, पर हैं तो वो मूल में तत्वतः एक ही है। तो इधर संक्षेप में कृष्ण जन्म सुखदेव जी ने गा दिया, लेकिन परीक्षित जी महाराज ने प्रार्थना की है, भगवान कृष्ण चरित्र सुनने के लिए ही तो हम बैठे हैं और आपने कृष्ण चरित्र को एक पंक्ति में गा दिया, ऐसे काम नहीं चलेगा, आप विस्तार पूर्वक मुझे ठाकुर जी के जन्म कर्म लीलाओं को सुनाइए।
सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को कहा, परीक्षित बहुत दिन हो गए कथा श्रवण करते करते, तुमने जल भी नहीं पिया, अब थोड़ा जल अन्न ग्रहण कर लो और फिर से कथा में बैठेंगे। परीक्षित जी महाराज ने कहा, भगवान जब आपसे अमृत को पी रहा हूं तो पानी को क्यों पीऊं? पानी पीने वाला अमृत की याद नहीं करता। आपकी कथा जो है, भगवत कथा जो है, ये अमृत है। अमृत पीने वाला पानी में क्यों मुंह मारेगा? आप तो मुझे अमृत पिलाइए। तब वहां सुखदेव जी महाराज ने कथा को आरंभ किया है। धन्य है परीक्षित जी आप जैसे श्रोता, जिनके प्रश्न करने से प्रश्नकर्ता भी पवित्र, वक्ता भी पवित्र और श्रोता भी पवित्र। प्रश्न करने वाला कथा रूपी मंदाकिनी की योजना बना देता है, वक्ता कहता है तो वो पवित्र हो जाता है, श्रोता सुनते हैं तो वो पवित्र हो जाते हैं। सुखदेव जी महाराज आगे वर्णन किए हैं कि एक बार पृथ्वी पर दैत्य लोग राजा बनकर आए, सारी पृथ्वी उनके अत्याचार से बोझिल हो गई। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, बड़ा बोझ बढ़ रहा है, किसी तरह से मेरा भार हल्का करें। ब्रह्मा जी पृथ्वी को लेकर गए हैं क्षीर सागर में, वहां भगवान से प्रार्थना किए हैं, प्रभु इस समय पृथ्वी बड़ी बोझिल हो रही है, आप कृपा करें पृथ्वी मैया के भार को हल्का करें। भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी आप चिंता ना करें, पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए हम स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेंगे। अब तो ये सुनकर ब्रह्मा जी को और भी प्रसन्नता हुई कि भगवान की नर लीला देखने का सौभाग्य मिलेगा। भगवान ने ब्रह्मा जी को ये भी आज्ञा कर दी कि जितने देवता हैं जो चाहते हैं हमारी इस लीला का लाभ लेना, आनंद लेना, उनको कहिए कि वो सब यदुवंश में जन्म ले लें। तो जितने देवता थे सुनकर बड़े प्रसन्न हुए, सब के सब देवता यदुवंश में आ गए। अब उसके पश्चात उस समय यदुवंशियों के जो राजा थे वो थे महाराज शूरसेन, और शूरसेन जी के पुत्र थे वसुदेव जी। वसुदेव जी का विवाह हुआ था माता देवकी के साथ, और कंस जो था ये देवकी का चचेरा भाई था। इतना स्नेह देवकी मैया से करता था कि जिस समय विवाह हुआ देवकी जी का, तो विवाह के अवसर पर उनको घर तक पहुंचाने के लिए स्वयं सारथी बन गया। आकाशवाणी ने कंस को लक्ष्य करके कहा, रे मूर्ख, तू आज इसके लिए सारथी बन रहा है, कल को इसी का गर्भ तेरा काल होगा, आठवां गर्भ। सुनते ही कंस ने तो उतर के रथ से और मैया देवकी के बाल पकड़ लिए कि मैं काल को पैदा ही नहीं होने दूंगा, इसी को मैं मार डालूंगा। बाल पकड़ लिए मारने को तो वसुदेव जी ने कहा, रे महाराज, ये कितने बड़े कलंक की बात होगी, आप बहन को विवाह के अवसर पर मार रहे हैं। अरे जरा सोचिए, देवकी से आपको कोई खतरा नहीं है, खतरा तो आठवें बालक से है। आप चिंता ना करें, हम सब बालकों को आपको सौंप देंगे। कंस ने भरोसा करके उन दोनों को छोड़ दिया, पर मन में फिर भी भय तो बना ही रहता था, पता नहीं बालक को पहुंचाए न पहुंचाए, आखिर तो माँ बाप है, कौन माँ बाप चाहेगा बालक मरे। तो देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया। एक वर्ष पश्चात मैया देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया। वसुदेव जी अपने उस नवजात बालक को लेकर कंस के पास पहुंच गए। कंस ने सोचा, आकाशवाणी तो आठवें बालक के लिए हुई है, मैं इस बालक की हत्या का पाप क्यों मोल लूं। कंस ने उसे जीवित छोड़ दिया। बोले, वसुदेव जी, बात तो आठवें बालक की है, हमें बाकी सात पुत्रों से कोई मतलब नहीं। तब तक नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, अरे महाराज, ये तो देवताओं का कुचक्र है, क्या पता आठवां बालक पहले ही नंबर में आ गया हो, आप जीवित मत छोड़िए बिल्कुल, इस तरह से तो बड़े संकट में फंस जाओगे। अब नारद जी का मतलब ये नहीं था कि बालकों की हत्या कराना। मैया देवकी के गर्भ में जो प्रारंभ में छह पुत्र आए हैं, सात में तो दाऊ जी हैं और ठाकुर जी आठवें हैं, छह पुत्र जो थे ये छह वसु थे, इनको शाप के कारण मनुष्य बनना पड़ा था। तो नारद जी की कृपा है, नारद जी चाहते हैं जल्दी से इनका शाप भी पूरा हो जाए, और उधर कंस को भी ये लगे कि भाई नारद जी तो बड़े हितैषी हैं, तो हर बात मानेगा हमारी। तो कंस ने उसी समय बालक को बुलवाया, उसको समाप्त करा दिया, और एक एक करके इसी तरह से छह पुत्र समाप्त कर दिए। अब सातवीं बार गर्भ में दाऊ जी महाराज पधारे हैं। अब जैसे ही दाऊ जी आए तो ठाकुर जी थोड़े चिंतित हो गए। ठाकुर जी ने सोचा, अगर कंस दाऊ जी को भी मारने का विचार करेगा तो दाऊ जी तो हो सकता है कि एक हुंकार में इसे समाप्त कर डाले।
क्योंकि साक्षात श्रेष्ठ जी के अवतार हैं। तो ठाकुर जी इसलिए चिंतित हो गए कि दाऊ जी के अवतार से खतरा है, दाऊ जी ने अगर अवतार ले लिया यहाँ तो वे कंस को जरूर मार डालेंगे, और अगर कंस मर गया तो कंस वध के बाद अगर कृष्ण जन्म हुआ तो फिर बाद में आनंद नहीं रहेगा, कंस को तो हम ही मारेंगे। तो योग माया को भगवान ने आदेश किया कि तुम दाऊ जी को देवकी मैया के गर्भ से निकालकर रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दो। रोहिणी जी भी वसुदेव जी की पत्नी थी, उस समय वे गोकुल में थी। तो ठाकुर जी चाहते हैं तब तक गोकुल में दाऊ जी का जन्म हो जाएगा और फिर उसके थोड़े ही दिन बाद हम आ जाएंगे, तब तक दाऊ जी ब्रज में हमारे स्वागत की भी तैयारी कर लेंगे। तो इधर दाऊ जी महाराज देवकी मैया के गर्भ में आए हैं, योग माया ने उन्हें रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया है, और उसके बाद आठवीं बार स्वयं भगवान ने माता देवकी के गर्भ में प्रवेश किया है। जैसे ही प्रभु गर्भ में आए हैं तो माता देवकी के मुखमंडल की जो आभा थी, जो तेज था, वो बड़ा विलक्षण हो गया। कंस भी समझ गया उनके मुख की शोभा को देखकर कि लगता है वो प्राणों का हरण करने वाला काल आ गया है इसके गर्भ में। पहरेदारों को भी कड़ा आदेश कि जैसे ही बालक का जन्म हो अनुक्षण हमें सूचित किया जाए। और उधर भगवान ने योग माया को आदेश कर दिया कि तुम देव यशोदा मैया के गर्भ से प्रकट होना और हम मैया देवकी के गर्भ से प्रकट होंगे। इसके पश्चात इधर देवताओं को पता लगा है प्रभु गर्भ में आ चुके हैं, समस्त देवगण कारागार में पहुंचे हैं स्तुति करने के लिए, या तो प्रभु ही जान रहे हैं या जित देवता ही जान रहे हैं। स्तुति की है प्रभु की, और उस स्तुति में कहा है कि भैया भगवान नर रूप में आ रहे हैं, नर लीला करेंगे, इसलिए सावधान हो जाओ, ठाकुर जी की इन लीलाओं में किसी प्रकार का संदेह मत कर लेना, इन लीलाओं से मोहित मत हो जाना, जो मोह में पड़ गया उसको लीलाओं का आनंद नहीं मिलेगा। तो पहले ही देवताओं ने सावधान कर दिया है, और उसके पश्चात वह पवित्र समय आया जब अथ सर्व गुणोपेतः कालः परम शोभनः, समय एकदम सुहावना हो गया, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांचों तत्वों की शुद्धि हो गई, सारी सृष्टि प्रसन्न और निर्मल हो गई। ऐसे समय में मध्य रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण ने भादो मास का महीना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र और मध्य रात्रि का अवसर भगवान ने स्वयं मैया देवकी का उनके यश को बढ़ाते हुए, चंद्रवंश को विभूषित करते हुए और 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री कन्हैया लाल की जय। इधर माता देवकी और वसुदेव जी ने जैसे ही अपने उस नवजात शिशु को देखा है, दोनों का हृदय एकदम प्रेम से भर गया। देवकी मैया ने, वसुदेव जी ने वहां प्रभु की स्तुति की है, लेकिन प्रभु ने उनको अंतः प्रेरणा की आदेश दिया, वसुदेव जी अब जल्दी से जल्दी हमें गोकुल पहुंचा दिया जाए। इधर जैसे गोकुल पहुंचाने का आदेश किया है, वसुदेव जी बड़े संकट में पड़ गए कि यहाँ तो द्वार बंद है, पहरेदार खड़े हैं, हथकड़ी बेड़ियां लगी हैं, गोकुल कैसे जाएं। लेकिन विचार करें, जिन भगवान का नाम लेने मात्र से कर्म बंधनों की बेड़ियां भी टूट जाती हैं, फिर वो साक्षात उनकी गोदी में आ गए तो क्या हथकड़ी बेड़ी भी नहीं खुलती। सब हथकड़ी बेड़ियों के बंधन खुल गए, जितने ताले थे सब खुल गए, द्वार खुल गए, पहरेदारों को प्रभु की इच्छा से निद्रागत हो गए। और उसके बाद श्री वसुदेव जी महाराज ने अपने नवजात बालक को उनकी प्रेरणा से, इच्छा से गोदी में उठाया और गोद में उठाकर गोकुल के लिए प्रस्थान कर दिए हैं। इधर जैसे ही वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी को, बालकृष्ण लाल को लेकर चले हैं, उसी समय मेघ रिमझिम रिमझिम वर्षा करने लगे हैं, शेष जी अपने फणों की छाया करने लगे हैं। शेष जी ने फणों की छाया की है, और उसके पश्चात यमुना जी जो उत्ताल तरंगों से प्रवाहित हो रही थी, एकदम जल बढ़ गया था कि जो प्रभु योगियों के मानस ध्यान का विषय है, आज वे ही प्रभु मुझे धन्य करते हुए
यहाँ से जा रहे हैं, ऐसा सोचकर यमुना जी महारानी का भी एकदम जल बढ़ गया, प्रवाह एकदम तीव्र हो गया और यमुना जी ने कृष्ण स्पर्श पाकर निहाल हो गए। बोले श्री यमुना महारानी की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो, श्री कन्हैया लाल जय हो, श्री वासुदेव भगवान की जय हो। इधर वसुदेव जी महाराज बाल कृष्ण लाल को गोद में उठाए, जैसे ही आए हैं यमुना जी के जल को पार करते हुए, यमुना जी कहीं घुटने भर हो जाती हैं, कहीं कटी भर हो जाती हैं, कहीं उनके छाती तक जल चढ़ाता है। वसुदेव जी महाराज बालक के पूर्ण रूप से सुरक्षा करते हुए और धीरे धीरे यमुना जी को पार करने लगे और यमुना जी को पार करते हुए वसुदेव जी महाराज उसके बाद नंदक गृह में गोकुल में पहुंचे हैं। बोलिए श्री गोकुल धाम की जय हो। इधर गोकुल में वसुदेव जी महाराज पधारे हैं, रात्रि का समय है, सब गोकुलवासी सोए हुए हैं, सारा गोकुल सोया हुआ है और उसके पश्चात वसुदेव जी ने नंद भवन में प्रवेश किया और वहां जाकर प्रसूति गृह में यशोदा मैया के निकट अपने बाल कृष्ण लाल को सुला दिया। यशोदा मैया की कन्या को लेकर वसुदेव जी फिर से यमुना पार करते हुए मथुरा आ गए हैं और जैसे ही मथुरा आए हैं वसुदेव जी देवकी मैया के पास बालिका को सुला दिया। अब तो कन्या ने रुदन आरंभ किया, जैसे ही जोर जोर से रुदन की ध्वनि हुई सब पहरेदार जाग गए, वसुदेव जी महाराज की भी सब हथकड़ी बेड़ियां लग गई और उसके पश्चात वे उस कन्या को देवकी मैया के निकट सुलाए हैं। कन्या ने रुदन आरंभ किया है, सब के सब पहरेदार जाग गए हैं और उसके पश्चात दौड़ते हुए उन्होंने कंस को सूचित किया। कंस ने जैसे ही सुना कि आठवां बालक जन्म ले चुका है, अब ले आओ। उसी समय कंस लड़खड़ाता हुआ वहां पहुंचा है। इधर मैया देवकी के हाथ से कंस ने उस कन्या को छीन लिया। मैया देवकी प्रार्थना कर रहे हैं। मैया देवकी ने कहा, भैया अब तो केवल एक कन्या बची है, कम से कम इसे तो प्राणदान दे दो। लेकिन उस दुष्ट के मन में कहां दया थी। कंस ने उसी समय बलात् देवकी मैया के हाथ से उस कन्या को छीन लिया और जैसे ही कन्या को छीना है और उस कन्या को मारने के लिए विशाल एक चट्टान पर मारना चाहा है, उसी समय वह जो कन्या थी वो कन्या कंस के हाथ से उड़कर आकाश में अष्टभुजी देवी के रूप में प्रकट हो गई और कंस को लक्षित करके कहा, मूर्ख तू मुझे क्या मारेगा, पर मैं इतना अवश्य बता देना चाहती हूँ कि तुझे मारने वाला काल कहीं पैदा हो चुका है। अब तो कंस घबरा गया कि मैं तो यही आठवें बालक को काल समझता था, अभी भी मेरा काल जीवित है। कंस दौड़ के देवकी वसुदेव के चरणों में गिर पड़ा, आप मुझे क्षमा करें, मैं तो सोचता था मनुष्य झूठ बोलते हैं, अब तो देवता भी झूठ बोलना सीखे हैं। इन देवताओं की बातों में आकर मैंने आपको बहुत समय तक कष्ट दिया, आप मुझे क्षमा करें। तब तक कंस के जो चापलूस चाटुकार मंत्री थे उन्होंने कहा, अरे महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं, अगर आपका काल कहीं संसार में जीवित भी है तो चिंता ना करें, इस वर्ष में जितने बालकों ने जन्म लिया है हम एक एक करके उन सबको समाप्त कर देंगे, उन्हीं में आपका काल भी मर जाएगा। इधर जब सवेरा हुआ है यशोदा मैया ने अपनी गोद में नीलमणि बालक को देखा है और जैसे ही नीलमणि शिशु को देखा तो मैया के नेत्रों से झरझर अश्रुधारा बहने लगी और वे आंसू की बूंदें बालक के गले में ऐसे पड़ने लगी मानो मैया ने लाला को मोतियों का हार पहना दिया है। इधर यशोदा मैया ने ढाय को कहा है, जाओ नंद जी को तो खबर दे दो कि उनके यहाँ लाला का जन्म हुआ है। नंद बाबा का प्रतिदिन का नियम था कि वे प्रतिदिन गैयाओं के खिरक में जाकर और आधी रात से ही अपना नारायण भगवान का ध्यान करना भजन करना आरंभ कर देते। नारायण भगवान के ध्यान में बाबा तो डूबे हुए आंख बंद करके बैठे हैं,
दाय दौड़ती हुई गई, अरे बाबा बधाई हो आपके यहाँ लाला ने जन्म लिया है। अब जैसे ही नंद बाबा ने लाला के जन्म की बात सुनी है तो उसी समय वही खिरक में नहा धो लिए हैं, ब्रजवासी ब्राह्मणों को बुलाए हैं और समझ गए कि अगर यहाँ से नहा धोकर नहीं गए तो नंद भवन में तो इतनी भीड़ हो जाएगी वहाँ नहाने धोने का भी अवसर नहीं मिलेगा। तो शुचिर अलंकृत वहीं खिरक से नहा धोकर सुंदर पाग पिछोरा पहनकर सुंदर नए नए वस्त्र आभूषण धारण करके सज धज के बाबा ब्राह्मणों को बुलाकर और नंद भवन में जब पहुंचे हैं तो वहाँ बाबा के पहुंचने से पहले ही गोपी ग्वालों की भीड़ जमी हुई थी और इतनी भीड़ की कहीं पैर रखने की भी जगह नहीं। बाबा ने कहा भाई देखो नृत्य गान तो होता ही रहेगा, पहले बालक का जातकर्म संस्कार करा दिया जाए और उसके पश्चात वहाँ नंद बाबा ने ब्रजवासी ब्राह्मणों के द्वारा जात्म कर्मात्म जस्यवई अपने बालक का वेद मंत्रों के साथ मंत्रोच्चारण पूर्वक विधिवत बालक का जातकर्म संस्कार कराया। ॐ हरिः ॐ मानो भद्राः कृतवो जन्तु विश्वतो दद्धासो। सभी लोग मानसिक रूप से भगवान का पूजन करेंगे। हरिः ॐ मानो भद्राः कृतवो जन्तु विश्वतो दद्धासो अपरीदास उद्भिदः देवानो जथा सदमिद्वृधे यसन्न प्रायो रक्षितारो दिवे दिवे देवानाग्वं समदृजूयताम् देवानाग्वंग्रादिरभिनो निवर्ततम् देवानाग्वं सक्षमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविधा होमये वयं भगं मित्रमदितिं दक्षिमश्रिधम् अर्जपणं वरुणगोम सोमवश्विना सरस्वती नः सुभगामयस्करत तन्नो वातो मयो भवातु मे भजं तन्माता पृथिवी तत्पिताद्योः तद्रावाणः सौम्यसुतो मयो भवतु दश्विनाशुश्रुती नः सुभगामयस्करत तन्नो वातो मयो भवातु मे भजं स्वस्ते स्वस्तिना इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्तिनः भूखा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तार्क्षो अरिष्टनेमिहि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। इधर वेदर के ब्राह्मणों के द्वारा बालक का जातकर्म संस्कार हुआ है और उसके पश्चात धेनु नाम नियुते प्रादा विप्रेभ्य समलं कृते नंद बाबा के द्वारा दान का कार्यक्रम आरंभ हुआ। लाला के जन्म की खुशी के अवसर पर नंद बाबा ने 20 लाख गायों का दान किया है, गावों 7 बड़े बड़े तिल के पर्वतों का दान किया। सैकड़ों वर्षों से जो बाबा के खजाने बंद पड़े थे आज लाला के जन्म के अवसर पर प्रसन्नता में बाबा ने उन सब खजानों को खोल दिया और ब्रजवासियों को आज्ञा दे दी जिसको जो चाहिए सो लूट लो, जिसको जो चाहिए सो ले लो। इधर समस्त ब्रजवासी गण सज धज कर आए हैं, सब क्या वृद्धा क्या युवती, सब की सब गोपियों ने अपने सुंदर सुंदर विवाह के लहंगे निकाले, घूम घुमारे लहंगे पहन के क्योंकि खूब नाचेंगी खूब गावेंगी। गावो वृषा वत्स करा हरिद्रा तैल रूषिता, यहाँ तक कि ब्रज के गैया बछड़ा का भी श्रृंगार किया गया, उनको भी तरह तरह की धातु से मोती मालाओं से सजाया गया। गाय बछड़े भी नंद भवन में आए हैं लाला को बधाई लाला के जन्म की बधाई देने। समस्त ब्रज गोपियां ब्रजवासी गण हाथ में कंचन थाल लिए और बधाई की विविध सामग्री लिए नंद भवन में मैया को लाला के जन्म की बधाई देने के लिए दौड़ती हुई चली आ रही हैं और ता आशशः प्रयुंजा नाश्चर्यं पाहिति बालके। सबसे बड़ी बात तो जो ब्रज गोपियां हैं, देखो सब संसार भगवान से मांगता है पर ब्रजवासी भगवान को भी देते हैं। क्या दिया? बोले लाला के जन्म के अवसर पर ब्रज गोपियों ने लाला को भूरी भूरी आशीर्वाद दिया। कोई कह रही है चिरंजीवी हो, कोई कह रही है दीर्घायु हो, कोई कह रही है लाला सुख से रहे, कोई कहे आनंद से रहे, खूब भूरी भूरी आशीर्वाद ब्रज गोपियों ने श्याम सुंदर को प्रदान किए हैं। और इसके पश्चात बधाई नृत्य गान में जितने ब्रजवासी गण हैं, गोप ग्वालों ने नंद बाबा को पकड़ लिया, गोपियों ने मैया को पकड़ लिया, लाला को पालने में झुला रही हैं, नाच रही हैं, नचा रही हैं,
गा रही हैं, गवा रही हैं, गैया बछड़ा भी सबके सब नाच रहे हैं। दो तीन दिन से कुछ माताएं कह रही हैं कि नाचने की इच्छा तो बहुत होती थी पर रुक जाती थी। अरे संसार में नाचने से रुकना चाहिए, ठाकुर जी के आगे नृत्य करने से कभी नहीं रुकना चाहिए। और फिर अब तो जन्मोत्सव की बधाइयां होंगी आप सभी को, जन्मोत्सव के आनंद में नृत्य और गान के साथ भाग लेना चाहिए। परेश नंद के लाला की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। Come on, come on.
सही भी सब नाच लो क्यों अपने भाग्य फोड़ते हो। जय हो।